हरे कृष्णा। पद्म पुराण में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण बताता है कि कार्तिक में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसमें एक नियम यह भी है, धामवास। धामवास करने से व्यक्ति को कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर कार्तिक में कोई हरिनाम की एक माला जप करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है। अगर वही एक माला धाम में की जाए तो कई 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 हजार गुना उसे फल मिलता है। तो इस बार हम सब लखनऊ से कार्तिक मास में वृंदावन धाम जा रहे हैं। वैसे तो हर साल ही हम लोग जाते हैं, इस बार हम लोगों ने नवंबर में ये डेट रखी है। जो भी डेट है वो नीचे आपको दी जा रही है। इस डेट पे हम लोग सब एक साथ मिलकर वृंदावन धाम चलेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जप करेंगे, मंगला आरती करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे, भक्तों के दर्शन करेंगे। वहाँ वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त हमें मिलेंगे, महाराज मिलेंगे और भी अनेक अनेक वरिष्ठ भक्त मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि धाम में वास करना, भक्तों का दर्शन करना, ये बहुत ही विशेष है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, जब हम कार्तिक में अपनी जगह पे, अपने स्थान पे यही रहते हैं अपने घर में, तो हम चाहकर भी पूरे समय ना तो भक्तों के चिंतन में, ना ही भगवान के चिंतन में, ना ही नाम के चिंतन में रह पाते हैं। लेकिन जब हम धाम जाते हैं तो पूरी तरह से पूरा समय हमारे पास होता है ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए। तो आप सब भी हमारे साथ वृंदावन यात्रा में चलिए। वहाँ चल के हम लोग बहुत सारा हरिनाम जप करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, जिससे हमें अधिक से अधिक कार्तिक मास का लाभ मिल सके। हरे कृष्णा।